शेखावत टेक्निकल इज बैक। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले रेडमी नोट 4 के ऊपर। आपके सवाल बहुत सारे आते हैं यार, कुछ लोग तो गालियां भी देते हैं कि रेडमी नोट 4 के ऊपर वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया तूने, रेडमी नोट 4 के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाता, आजकल तू अलग हो गया है, वो हो गया है। देखिए मैं रेडमी नोट 4 के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, डेफिनेटली बनाता रहूंगा इन फ्यूचर, जब तक रेडमी नोट 4 यूजर हैं सभी तब तक मैं बनाता रहूंगा रेडमी नोट 4 के ऊपर। लेकिन आपके सवाल बहुत सारे आते हैं इसलिए आपको जवाब देना जरूरी हो गया, और आज एक रेडमी नोट 4 के लिए लीक निकल गया आया है तभी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, नहीं तो आज भी मैं शूट नहीं करता इस वीडियो को। फिलहाल अभी हम बात करते हैं रेडमी नोट 4 के ऊपर। देखिए आपके सवाल मेरे पास ये आ रहे थे कि रेडमी नोट 4 में नेक्स्ट स्टेबल अपडेट कौन सा आएगा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आएंगे उसमें, और अपडेट का नंबर क्या होगा नेक्स्ट, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेबल अपडेट कौन सा आने वाला है, क्या नंबर होने वाला है इसका। देखिए नेक्स्ट स्टेबल अपडेट होने वाला है MIUI 10.2.4.0 का, जो नेक्स्ट अपडेट आएगा। अब आप मुझसे पूछते हो कि यार अपडेट कब तक हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए आपको बता दो, जब तक बीटा अपडेट स्टार्ट नहीं हुआ था रेडमी नोट 4 के लिए तब तक स्टेबल अपडेट भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीटा वर्जन में रेडमी नोट 4 को पिछले 2 महीने से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। अब हर बार सस्पेंड हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण सस्पेंड किया जा रहा है। चाइना में तो अपडेट रेगुलरली आपको, मतलब हर वीकली आपको अपडेट मिल रहा है, लेकिन इंडिया के लिए फिर ग्लोबली बोलूँ मैं तो आपको कोई भी बीटा अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। और खबर के मुताबिक पता चलता है कि आपको मार्च के महीने या फिर मार्च के जो स्टार्टिंग होगा वहां से आपको अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा रेडमी नोट 4 के लिए, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, और तब तक आपको कोई भी स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिलने वाला। जब अपडेट स्टार्ट हो जाएगा उसके 1 महीने बाद आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अब आप जान के मानिए, मतलब आप मान के चलिए कि आपको बीटा अपडेट स्टार्ट होगा मार्च की फर्स्ट वीक से, तो आपको अप्रैल की फर्स्ट वीक के आसपास आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। और उस अपडेट में क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर होंगे, तो ज्यादा कुछ खास अपडेट में नहीं आने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बीटा अपडेट में, मतलब रेडमी नोट 4 में बीटा में कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर्स नहीं आया, क्योंकि अपडेट ही नहीं आया तो फीचर भी क्या आएगा। तो कोई भी ऐसा फीचर नहीं आया तो आपको रेडमी नोट 4 में स्टेबल वर्जन में भी कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि फेस अनलॉक वगैरह, डुअल 4G आपको मिलेगा ही नहीं, और फेस अनलॉक के चांसेस भी अब बहुत कम है कि आपको फेस अनलॉक भी मिलेगा। अब हो सकता है मे बी MIUI 11 के साथ शाओमी खुश होकर दे दे, बाकी फेस अनलॉक का चांस बहुत 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 कम है, डुअल 4G नहीं आने वाला है। बाकी आप बोलते हो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर, तो खास कुछ भी नहीं आने वाला है। हो सकता है यार थोड़े से चेंजेस किए जाएं, जो आपको UI उसमें थोड़े चेंजेस किया जाए, वो एक हो सकता है UI को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए, जो आपका फिंगरप्रिंट है उसको थोड़ा सा फास्ट किया जाए, वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेंगे। तो यार यही था आप खास वीडियो में, मेरा मैसेज आ गया सॉरी, तो यही कुछ खास था इस वीडियो में, और आपको जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे कौन सा अपडेट आएगा। MIUI 10.2.4.0 का नेक्स्ट स्टेबल अपडेट आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा बीटा अपडेट शुरू होने के 1 महीने बाद। अब आप मान के चलिए जब भी आप देखिए कहीं कब क्या, कब तक आपको बीटा अपडेट मिल रहा है, किस तरह से लोगों को बीटा अपडेट मिल रहा है, तो उसके 1 महीने बाद आप देख लीजिए कब तक आपको मिलेगा, यानी कि आप मान चलिए अप्रैल की फर्स्ट वीक में आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलता हूं आपको अगली एक्साइटिंग वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम। हां लाइक टारगेट रह गया था हमारा वो 500 लाइक का, तो वो भी आप कंप्लीट कर दीजिएगा।